एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था और वह खाना इकट्ठा करता था। उसने यह ध्यान दिया कि हर दिन उसका खाना गायब हो जाता है। उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुराता था। उसने चूहे से कहा, अरे चूहे, तू मेरा खाना क्यों चुराता है? मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, चुराना है तो जाके अमीरों का खाना चुरा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चूहे ने कहा, यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास सिर्फ 8 चीज़ें ही रख सकते हो। चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो या कितना भी इकट्ठा कर लो, तुम केवल उतनी ही चीज़ें रख पाओगे। यह सुनकर उस बेघर इंसान को सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? वह बेघर इंसान निश्चय करता है कि वह भगवान बुद्ध से मिलेगा, वो अपनी इस समस्या का समाधान पूछेगा। इस तरह वह बेघर इंसान यात्रा पर निकल पड़ता है बुद्ध को ढूंढने। वह पूरा दिन यात्रा करता है और शाम को अपने आप को एक धनी परिवार के घर के सामने पाता है। थका हुआ और भूखा प्यासा वह वहाँ रात बिताने का फैसला करता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला। बेघर आदमी ने कहा, मैं एक यात्री हूँ और इस इलाके में नया हूँ, क्या मुझे यहाँ रात बिताने की जगह मिलेगी? घर का मालिक उसे अंदर ले जाता है। रात में जब खाना खाते वक्त वे बातें कर रहे थे तो घर का मालिक उससे पूछता है, भाई क्यों और कहाँ के लिए इतनी रात को यात्रा कर रहे थे? मेरे पास बुद्धा के लिए एक सवाल है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उस गरीब इंसान ने कहा। जब उस घर की मालकिन ने यह सुना तो कहा, क्या आप हमारी तरफ से भी एक सवाल बुद्धा से पूछ सकते हैं? उस बेघर इंसान ने कहा, बताइए, मैं आपकी तरफ से ज़रूर पूछूंगा। मालकिन ने कहा, हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती, हमें बस ये पूछना है कि हमें क्या करना होगा जिससे वो बोलना शुरू कर दे। तो अगली सुबह ही बेघर इंसान उसे आश्रय देने के लिए उनका धन्यवाद करता है और आश्वासन देता है कि वह उनका सवाल बुद्धा से ज़रूर पूछेगा। वो अपनी यात्रा दोबारा शुरू करता है, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वो पहाड़ों का एक झुंड देखता है जिन्हें उसे पार करना होगा। वो एक पहाड़ पार करता है और उसे एक जादूगर मिलता है। वह जादूगर से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन पहाड़ों को पार करने में? जादूगर उसे अपनी छड़ी में पीछे बैठाता है और पहाड़ों को पार करा देता है। जादूगर उस बेघर इंसान से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो और इन पहाड़ों को क्यों पार कर रहे हो? बेघर इंसान ने कहा, मैं जाकर बुद्ध से मिलकर अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। जादूगर उस इंसान से आग्रह करता है कि वो उसका भी एक सवाल बुद्ध से पूछे। जादूगर उसे बताता है कि वो पिछले 1000 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है और उसकी शिक्षा के अनुसार उसे अब तक स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो क्या वो बुद्धा से पूछ सकता है कि उसे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? वो बेघर इंसान बुद्ध से सवाल पूछने का वचन देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक आखिरी रुकावट मिलती है, एक गहरी नदी जिसे वो पार नहीं कर सकता। लेकिन सौभाग्य से उसे नदी के किनारे एक बड़ा कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार कराने का फैसला करता है। जब वे नदी पार कर रहे होते हैं, कछुआ उसे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा अपने भाग्य के बारे में, बेघर इंसान ने कछुए से कहा। यह सुनकर कछुए ने कहा, क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगे? मैं पिछले 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार से मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो मुझे क्या करना होगा ड्रैगन बनने के लिए? वह इंसान नदी पार कराने के लिए कछुए का धन्यवाद करता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह उसका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछेगा। वो बेघर इंसान बुद्ध को ढूंढने की यात्रा जारी रखता है और आखिरकार वो पहुँच जाता है वहाँ जहाँ बुद्ध रहते थे। वो भिखारी मठ के पास पहुँचता है और एक गहरी लंबी सांस लेकर सोचता है, आखिर आज मिल ही लूँगा महान बुद्धा से। वह उत्साहित और आनंदपूर्ण मन से मठ के अंदर जाता है। वह बुद्धा को प्रणाम करते हुए कहता है, मैं एक गरीब बेघर इंसान हूँ और दूर देश से आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ, क्या मैं आपसे वे सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्धा ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा, केवल 3। वह इंसान हैरान रह गया, उसके पास तो 4 सवाल थे। उसने बुद्धा से कहा, लेकिन मेरे पास तो 4 सवाल हैं। बुद्धा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वे बस ध्यान में बैठे रहे। तब उस बेघर इंसान ने बड़े ध्यान से सोचा। पहले वो उस कछुए के बारे में सोचता है, बेचारा कछुआ 500 सालों से है उस गहरी नदी में ड्रैगन बनने की आस में, कितनी मुश्किल होगी उसकी ज़िंदगी उस गहरी नदी में। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग में जाने की कोशिश में। वो बेघर इंसान सोचता है कि 1000 साल तो बहुत लंबा समय होता है, अब तो उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिरी में वो उस लड़की के बारे में सोचता है जो अपनी पूरी ज़िंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। वो सोचता है कि बिना कुछ बोले कैसे वो लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगी, ये तो क्रूरता है, ये तो पाप है। फिर वो अपनी तरफ देखता है और सोचता है कि मैं तो बस एक बेघर भिखारी हूँ, मैं वापस अपने शहर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ, मुझे इसकी आदत है, मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उन लोगों का सब कुछ बदल सकता है यदि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाएं तो। जब उसने दूसरे की समस्याओं की ओर देखना शुरू किया तो उसको खुद की तकलीफ़ कम लगने लगी, अतः उसने उन 3 के सवालों को पूछने का निर्णय लिया।
गरीब इंसान ने बुद्ध से कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वो अपने ढांचे के आराम से बाहर नहीं आएगा, वो कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उस बेघर इंसान ने उस जादूगर के बारे में पूछा। वो जादूगर हमेशा अपनी छड़ी अपने साथ रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता। उसकी छड़ी एक आसरे की तरह है जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। आखिरी में उस इंसान ने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर वो बेघर इंसान महान बुद्धा को प्रणाम करता है। वह खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। रास्ते में वो उस कछुए से मिलता है। उसने कछुए से कहा कि तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना पड़ेगा और तुम ड्रैगन बन जाओगे। वो कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समुंदर में मिलते हैं, और वो उस बेघर इंसान को दे देता है। कछुआ उस बेघर इंसान का धन्यवाद करता है और ड्रैगन बन के वहाँ से उड़ जाता है। अब वह इंसान उस जादूगर से मिलता है एक बड़ी पहाड़ी में, और उससे कहता है, आपको बस अपनी छड़ी ज़मीन पर रखनी होगी और आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुनने के बाद वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर इंसान को देता है और स्वर्ग की ओर चल पड़ता है। अब उस बेघर इंसान के पास कछुए का दिया हुआ धन था वह जादूगर की शक्ति। वह उस जादुई छड़ी में बैठकर उस परिवार के पास जाता है जिसने उन्हें रात में रुकने का आश्रय दिया था। वे उसे देखकर बड़े खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे। बेघर इंसान उन्हें बताता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब वह अपने जीवन साथी से मिलेगी। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी आया था? वो लड़की व उसके माता पिता हैरान थे। वो उस बेघर इंसान की तरफ देखते हैं। वही उस लड़की का हमसफर था। माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी और वो खुशी खुशी रहने लगे। तो याद रखना दोस्तों, इस संसार में हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं वह वापस लौटकर हमारे पास ही आता है।